नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का सवाल है क्वेश्चन से थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज हमारे ऑप्शन है रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री या फिर 1.5 या फिर 0.5 न्यूटन नाउ सिंपल सवाल है वेक्टर्स की एप्लीकेशन है uh, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके तीन फोर्सेज एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं तो एक फोर्स है यहाँ से 60 डिग्री की डायरेक्शन में 60 डिग्री की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू है वन न्यूटन दूसरा एक फोर्स है यहाँ से 30 डिग्री की डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई हो रहा है यह है फोर न्यूटन का और यह 30 डिग्री है तीसरा फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो रहा है यह 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे टू न्यूटन फोर्स है Right. हमें सवाल ये पूछा गया है कि एडिशनल कितना फोर्स लगाएं इस पर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है हमें सच दैट हमारा जो रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस का है वो मिला के सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचे सो so इसमें इन तीनों फोर्सेस को हम आपके एक्स वाई डायरेक्शन में आई कैप जे कैप के टर्म में लिख लेते हैं सो so लेट्स ये अपना फोर्स वन है इसको टू कहते हैं इसको थ्री कहते हैं तो अगर इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो आपका जो एफ वन हुआ इसका कंपोनेंट अगर इधर देखेंगे वाई डायरेक्शन में आपका कॉसिटा आएगा और इधर साइन थीट आएगा सो दिस विल बी फोर साइन थर्टी डिग्री आई कैप माइनस साइन के साथ प्लस इसका इधर कंपोनेंट uh, हो जाएगा फोर कॉस थर्टी डिग्री जे कैप एफ टू जो फोर्स है ये वाला फोर्स उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर इस वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे वन साइन सिक्सटी आई कैप यहाँ पे कॉ सिक्सटी बनेगा uh, सॉरी ये वाला कॉ सिक्सटी बनना था ये कॉ सिक्सटी आएगा कॉ सिक्सटी ये वाला साइन सिक्सटी जाएगा सो दिस विल बी प्लस वन साइन सिक्सटी जे कैप और एफ थ्री जो आया uh, इसकी वैल्यू हो जाएगी uh, इसमें आई uh, डायरेक्शन में तो ये हुआ साइन सिक्सटी सो दिस विल बी टू साइन सिक्सटी सॉरी साइन थर्टी आई कैप प्लस इसका इधर कॉस कंपोनेंट आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू कॉस थर्टी जे कैप अगर हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करें एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री करके पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं सो so, ये अपना फोर्स एफ़ वन जो है बन गया साइन थर्टी होता है अपना वन बाय टू सो एफ़ वन बन गया माइनस टू आई कैप और ये वाला बन जाएगा प्लस कॉस थर्टी होता है रूट थ्री बाय टू सो दिस विल बी टू रूट थ्री जे कैप एफ़ टू की जो वैल्यू है एफ़ टू की वैल्यू कॉस सिक्सटी होएगा वन बाय टू सो दिस विल भी वन बाय टू आई कैप एंड दिस विल भी रूट थ्री बाय टू जे कैप और आपका जो एफ है ये वाला फोर्स साइन थर्टी अपना वन बाई टू होएगा सो दिस विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस कॉस थर्टी इज़ रूट थ्री बाई टू सो दिस विल बी माइनस रूट थ्री जे कैप अगर इनको हम ऐड करेंगे एफ फोर्स विल बी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इनको हम ऐड करेंगे सो नेट फोर्स जो आया अपना वाई uh, डायरेक्शन में होएगा uh, ये आ गया टू आई कैप और पॉइंट फाइव आई कैप और ये माइनस टू है पॉइंट फाइव ये सो so, ये बना वन बाई टू आई कैप की डायरेक्शन में और ये आपका जे कैप की वैल्यू बनेगी टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री तो रूट थ्री बना और प्लस uh, ये आ गया रूट थ्री जे कैप नाउ हमें फोर्स चाहिए एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं so सो ये बना टू रूट थ्री उसमें से माइनस हुआ तो ये बचा सिर्फ प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री में जब हमने थ्री रूट थ्री ऐड किया uh, तो ये बन गया uh, तो ये हो गया रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू सो ये अपना बन गया टू प्लस वन थ्री बाय टू रूट थ्री अलग सो अब ऑल दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को सो so ये थ्री बाई टू रूट थ्री आ गया ना हम चाहते हैं कि अगर हमारा फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में हो तो कितना फोर्स लगाएं कि इसका फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में बचे अपना बाई डायरेक्शन में ही बचे सो आइडिया ये जो अपना फोर्स रिक्वायर्ड है जो आपको एफ फोर फोर्स चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू आई कैफ अगर ये फोर्स आपने लगा दिया तो इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ जे डैश जे डायरेक्शन में बचेगा सो so हेंस हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट फाइव न्यूटन सो ऑप्शन नंबर सी पॉइंट फाइव न्यूटन वुड बी द राइट आंसर